हाय फ्रेंड्स, मैं हूं तौकीर आलम। फ्रेंड्स, मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स हैं जो कमेंट बॉक्स में पूछते हैं कि अकॉर्डिंग टू का क्या यूज है, यानी स्पोकन इंग्लिश में हम अकॉर्डिंग टू का कैसे यूज करें। तो आइए फ्रेंड्स, इस कॉन्सेप्ट को समझें। थोड़ा मुश्किल कॉन्सेप्ट है, लेकिन आपको पूरी बात समझ में आएगी। अकॉर्डिंग टू मीन्स के अनुसार या के मुताबिक या रिपोर्टेड बाई आ स्टेटेड बाई। फ्रेंड्स, अकॉर्डिंग टू का यूज हम तब करते हैं जब हमको कहना हो के अनुसार या के मुताबिक। विच इज नॉट स्पीकर्स पॉइंट, इट इज कॉमनली फॉलोड बाई अ नाउन फ्रेज आ बाई अ क्लॉज। फ्रेंड्स, अकॉर्डिंग टू के बारे में आप एक बात खास तौर पर याद रखेंगे कि फ्रेज वर्ड अकॉर्डिंग टू का यूज फर्स्ट पर्सन के साथ नहीं किया जाता। यानी मैं ऐसा नहीं कह सकता अकॉर्डिंग टू मी या अकॉर्डिंग टू अस, ऐसा कहना सरासर गलत होगा। आप अकॉर्डिंग टू का यूज सेकेंड पर्सन या थर्ड पर्सन के लिए कर सकते हैं, जैसे अकॉर्डिंग टू यू, अकॉर्डिंग टू हर, अकॉर्डिंग टू हिम, अकॉर्डिंग टू देम, अकॉर्डिंग टू जेफ, अकॉर्डिंग टू आलम, अकॉर्डिंग टू राहुल। तो अकॉर्डिंग टू का यूज आप सेकेंड पर्सन के लिए कर सकते हैं, थर्ड पर्सन के लिए कर सकते हैं, लेकिन आप फर्स्ट पर्सन के लिए नहीं कर सकते हैं। अगर आपको कहना हो मेरे अनुसार या मेरे मुताबिक या हमारे अनुसार या हमारे मुताबिक, तो आप अकॉर्डिंग टू के जगह पर इन माई ओपिनियन, इट इज माई ओपिनियन दैट, आई एम ऑफ द ओपिनियन दैट, या इन माई व्यू या टू मी का यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपने सीखा कि अकॉर्डिंग टू मीन्स के अनुसार या के मुताबिक, लेकिन यह वर्ड फर्स्ट पर्सन के साथ यूज नहीं करना है। आप सेकेंड पर्सन या थर्ड पर्सन के साथ यूज कर सकते हैं। आइए फ्रेंड्स, कुछ एग्जांपल देखें ताकि ये बात आपको शानदार तरीके से समझ में आ सके। फ्रेंड्स, अगर आपको कहना हो उन लोगों के अनुसार मैं कड़ी मेहनत नहीं करता हूँ, तो आप कहेंगे अकॉर्डिंग टू देम आई डोंट वर्क हार्ड। फ्रेंड्स, अगर आपको कहना हो उसके अनुसार मैं एक धोखेबाज हूँ, तो आप कहेंगे अकॉर्डिंग टू हर आई एम अ चीटर। फ्रेंड्स, अगर आपको कहना हो आपके मुताबिक मैं झूठ बोलता हूँ, तो आप कहेंगे अकॉर्डिंग टू यू आई टेल अ लाई। फ्रेंड्स, अगर आपको कहना हो इस किताब के मुताबिक या इस किताब के अनुसार यह रूल सही है, तो आप कहेंगे अकॉर्डिंग टू दिस बुक दिस रूल इज करेक्ट। फ्रेंड्स, अगर आपको कहना हो बीबीसी न्यूज के अनुसार वह मारा गया, तो आप कहेंगे अकॉर्डिंग टू बीबीसी न्यूज ही वॉज किल्ड। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आपको कहना हो मेरे अनुसार तुम अच्छे इंसान नहीं हो, तो आप कहेंगे इन माई ओपिनियन या इन माई व्यू यू आर नॉट अ गुड मैन। फ्रेंड्स, अगर आपको कहना हो हमारे अनुसार वो यहाँ नहीं आएगी, तो आप कहेंगे इन अवर व्यू सी विल नॉट कम हियर। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि यह कॉन्सेप्ट आपको शानदार तरीके से समझ में आया कि अकॉर्डिंग मीन्स के अनुसार या के मुताबिक होती है, लेकिन इसका यूज आपको फर्स्ट पर्सन के साथ नहीं करना है, यानी मी या अस के साथ नहीं करना है। फर्स्ट पर्सन के लिए आप इनमें से कोई एक फ्रेज वर्ड यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर वाकई आपको यह कॉन्सेप्ट शानदार तरीके से समझ में आया, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि इस लेसन में आपने क्या सीखा, और मैं चेक करके बताऊंगा कि आपने सही सीखा या गलत। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।